नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में संजय राउत पर कार्रवाई होती है और हाथ पैर अगर किसी के फूलते हैं तो वह है कांग्रेस के विधायक असलम शेख के, क्योंकि असलम शेख और अनिल परब दो लोगों का नाम लगातार चल रहा है कि ईडी के रडार पर अब ये दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं संजय राउत के बाद, या तो अनिल परब या असलम शेख जेल जा सकते हैं। अनिल परब का मामला आप सभी को पता है, परिवहन मंत्रालय उनके पास था और उसमें कई बड़े घोटाले हुए थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, पैसे लेकर वहां पर ट्रांसफर किया जा रहा था, वो अलग मामला है और उस मामले में ईडी जांच कर रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अनिल परब, जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, वो जेल जा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो कांग्रेस का विधायक है असलम शेख। इन्होंने क्या किया है? दरअसल किरीट सोमैया ने इनको लेकर एक बड़ा खुलासा किया था, कई बड़े आरोप लगाए थे। इनका जो घोटाला है वो 1000 करोड़ का घोटाला है। फिल्म स्टूडियो जो है, 28 फिल्म स्टूडियो अवैध जगह पर चलाए जा रहे हैं और इसका जो भी ठेका था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो सब कुछ इन्होंने पास किया था और इनके ही इशारे पर वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि इलीगल है। कैसे है इस पूरे मामले में किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये वीडियो। ये वीडियो है बीजेपी के नेता मोहित कंबोज और उनके साथ कांग्रेस के विधायक असलम शेख की। जैसे ही ये वीडियो आई उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि अब शिवसेना के बाद कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ सकती है। दरअसल मामला ये है कि देवेंद्र फडणवीस से असलम शेख ने मुलाकात की है। क्यों की है? इसकी वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि ईडी लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है, यानी कि जो जांच चल रही है उसी के डर से वो अब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पर अभी से विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए और तमाम जिस प्रकार के मामले मुंबई में हुए हैं, जो ब्लास्ट हुआ है, जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनको समर्थन देने के लिए अगर कोई नेता खड़ा होता है तो उसका विरोध जो है वो महाराष्ट्र में होना लाजमी है और इसीलिए महाराष्ट्र की जो जनता है इसका विरोध कर रही है। अगर असलम शेख बीजेपी के साथ आते हैं तो यहाँ पर यह बड़ा झटका कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को लगेगा, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। असलम शेख के पास अपना वोट बैंक है, अगर वो आते हैं तो बीजेपी को इससे खासा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, असलम शेख ना जाकर इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जो ये मुलाकात हुई है देवेंद्र फडणवीस की असलम शेख की और मोहित कंबोज की, दरअसल मोहित कंबोज ने ही ये मुलाकात करवाई है। आप देख सकते हैं कार में बैठते हुए मोहित कंबोज की तस्वीर और असलम शेख की तस्वीर। मोहित कंबोज के बारे में आप सभी जानते हैं, हमने लगातार बताया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और किस तरीके से उन्होंने चुनौती दी थी महाविकास आघाड़ी सरकार को और उसके बाद सरकार गिर गई। जिस डेट को उन्होंने बताया था उसी डेट को सरकार गिरी है। 1 महीने का वक्त उन्होंने संजय राउत को दिया था और संजय राउत अब जेल भी जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मामले हुए हैं उससे मोहित कंबोज का कद कितना बड़ा है। और अब मोहित कंबोज अगर असलम शेख को देवेंद्र फडणवीस से मिलाने लेकर जाते हैं तो मतलब साफ है कि अब शिवसेना के बाद कांग्रेस में सेंध लग सकती है। अब किरीट सोमैया ने इसको लेकर क्या खुलासा किया था, जो घोटाला है जिसमें वो फंसे हुए हैं असलम शेख, जिसके बाद उन्हें देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर जाने की जरूरत पड़ी है, उस मामले में किरीट सोमैया ने खुलासा करते हुए ये बताया था कि महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस के नेता असलम शेख ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है। बीजेपी नेता ने ये आरोप लगाया था कि असलम शेख ने 2.5 सालों के दौरान इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया। असलम शेख ने अपने क्षेत्र मढ़ मारवे इलाके में, जो कि CRZ जोन में आता है, वहां पर भू माफियों की मदद करके करीब 28 अवैध फिल्म स्टूडियो और कमर्शियल स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया। ये सभी निर्माण सरकारी जमीनों पर करवाए गए हैं और यही भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से ईडी इस मामले में जांच कर रही है और इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ईडी उन्हें जेल में डाल सकती है। इसी बात का डर है कांग्रेस विधायक असलम शेख को, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से वो मुलाकात करने गए हैं। लेकिन जनता इसका विरोध भी कर रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इस खबर के आने के बाद ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस, जो कि महाराष्ट्र में पहले भी तीसरे चौथे नंबर पर आ चुकी है, अब क्या उसमें और भी तोड़फोड़ होगी और बीजेपी के पाले में कई बड़े नेता जाने को तैयार हैं।
बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि असलम शेख और देवेंद्र फडणवीस की अगर ये मुलाकात सही रहती है, अगर देवेंद्र फडणवीस मान जाते हैं और असलम शेख बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो क्या आपको ये उचित लगेगा या ऐसा बीजेपी को नहीं करना चाहिए।